हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वाला में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे 14 जनवरी और 15 जनवरी का करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर आया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर आया, तो वो है 83वें स्थान पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इज 83rd। दूसरा क्वेश्चन है, चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया। चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी। निकारगुआ देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, याद रखिए डेनियल ओर्टेगा। निकारगुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने, डेनियल ओर्टेगा। मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, वो है नीदरलैंड। या भी पूछ सकते हैं कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो क्या है, मार्क रट। ठीक है, विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, वो है 8.3%। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में किस नियुक्त किया गया, एस सोमनाथ। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का नया DSP नियुक्त किया गया। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का नया DSP नियुक्त किया गया, असम राज्य का। लॉन्च पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखिका कौन है। लॉन्च बुक इंडोमिटेबल ए बुक वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य। केंद्र सरकार के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। तो है 35.8%। किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हुआ, मध्य प्रदेश। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया, तेलंगाना में। आईआईटी मद्रास के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रोफेसर वी कामकोटी। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज पराया गया, राजस्थान। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिव्यू वाय ने किसे अपना पहला एम्बेसडर नियुक्त किया, वो है राजकुमार राव। 16 प्रश्न है, दिसंबर 2021 में खुदरा मुद्रा स्फीति दर कितने प्रतिशत रहा। दिसंबर 2021 में 5.59%। दुनिया के पहले मानव में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले व्यक्ति कौन बने। डेविड बेनेट जिनमें पहले मानव बने जिनमें सुअर का हृदय ट्रांसप्लांट किया गया। यूएसबी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। नौ दशमलव एक प्रतिशत। अली खान इस्माइलो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। कजाकिस्तान।
पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? असम राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? सर्वानंद सोनोवाल। किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? फेडरल बैंक। विच बैंक लॉन्च्ड इंस्टेंट लोन अप्रूवल पोर्टल फॉर MSME? दैट इज फेडरल बैंक। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है आज। हम देखें ये हमारा टोटल 22 प्रश्न 14 जनवरी का करंट। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 15 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, वेयर इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? दैट इज मध्य प्रदेश। पोषकों ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता किया? पोषकों ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता किया? वह है गुजरात। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तमिलनाडु में। याद रखिए इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तमिलनाडु में। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? सुभाष सरकार। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर को। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर को। AISCD ने पहली विश्व बात है T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कब आयोजित करने की घोषणा की? तो वो है 2023। डियोन लैंडोर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? धावक। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का दर्जा मिला? HDFC बैंक। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का दर्जा मिला? वह HDFC बैंक। किस राज्य के ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया? किस राज्य ने ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया? वो है असम। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की? अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की? वो है अफगानिस्तान। कमाल खान का निधन हुआ, कमाल खान का निधन वो क्या थे? वो थे पत्रकार कमाल खान। किस देश ने भारत में सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए? फिलीपींस ने। किस देश ने भारत से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए? वह फिलीपींस। जूनियर नंबर एक खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तस्नीम अमीर। जूनियर नंबर एक खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तस्नीम अमीर। इशराम सेन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इतिरा डेविस। कट्रिल्स ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटर सबस्टेशन स्थापित किया कहाँ? मुंबई। ISFR रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में किस देश में वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा? भारत। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मणिपुर। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मणिपुर में। बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिंग का सूपे के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक ने। लेजीपे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? SBM इंडिया बैंक इंडिया।
ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मिताली राज। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? WEF। पश्चिमी अफ्रीका देश ने चुनाव में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की? माली। UN ने वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत निकलने लगा? 6.5%। दक्षिणी अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ऋषभ पंत। पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? 122 करोड़ रुपए। सशक्त बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया? सशक्त बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया? 14 जनवरी यानी कल बीते हुए कल। वेन स्ट्रॉन्ग फोर्स वेटरन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड? 14 जनवरी 2022। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लिए 27 क्वेश्चन 15 जनवरी का। बहुत बहुत धन्यवाद।